हे गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी ट्रेन का लाइव लोकेशन कैसे चेक कर सकते हैं, या कौन सी ट्रेन आज कैंसिल हो गई है, या कौन सी ट्रेन कौन से रूट होके जाती है, या कौन से ट्रेन में कितनी टिकट अवेलेबल है, या कौन से किसी भी ट्रेन में आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो गाइस, ये सब जानने के लिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और ये जानकारी उनके पास पहुंचा सकते हैं। तो गाइज, आपका टाइम ले तो मैं शुरू करता हूं। गाइज, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां से एक सिंपली ऐप्स को इंस्टॉल करना जिसका नाम है रेलवे इंक्वायरी PNR। गाइज, अगर ये ऐप्स आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज, मैं पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा हूँ, इसके लिए मैं ओपन करूँगा। गाइज, इसको ओपन करने के लिए आपके मोबाइल में इंटरनेट होना जरूरी है। जो भी यहाँ पे चेक करना चाहते हो, आपके मोबाइल में इंटरनेट होना जरूरी है। तो गाइज, इस ऐप्स को ओपन करने के बाद इस तरह से इसका इंटरफेस खुलेगा। गाइज, ये फ्री ऐप्स है, इसके लिए यहाँ पे ऐड आ रहा है तो आपको ऐड पे ध्यान नहीं देना है। तो गाइज, इस तरह से इसका इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टिकट बुकिंग, यहाँ पर आप टिकट अपना बुक कर सकते हैं। चलिए एक एक करके सबके बारे में मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप चेक कर लीजिए। तो गाइज, यहाँ पर टिकट बुकिंग हम क्लिक करेंगे। टिकट बुकिंग पर क्लिक करने के बाद इसका पेज खुलने तक वेट करते हैं। तो गाइज, इस तरह से इसका पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी या और ये सब बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपका यूज़र आईडी होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसके नीचे अभी आ रहे हो, पेज खुल रहा है, थोड़ा नेट स्लो है इसके लिए। तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं या अपना आईडी एक बना सकते हैं। तो गाइज, चलिए दूसरा बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आप सीट अवेलेबली चेक कर सकते हैं कि कौन से ट्रेन में कितनी सीट है। और यहाँ पर तीसरा नंबर है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कौन से रास्ते होके जाएगी। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे सब दिया हुआ है कौन से ट्रेन कौन से रूट होके जाएगी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा ट्रेन है और कौन से रूट होके जाएगी। अब चलिए चौथा नंबर हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। और यहाँ पे PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं, अगर आपने अपना टिकट वेटिंग निकाला हुआ है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपना PNR नंबर डाल के। जो भी है इंटर PNR नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो यहाँ पर सारा उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। आप अपने टिकट का पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपका टिकट कन्फर्म है या नहीं है। चलिए यहाँ पे और भी चेक बता देता हूँ, आप किसी भी ट्रेन का ये चेक कर सकते हैं कौन सी ट्रेन आज कैंसिल है और कौन सी ट्रेन जाने वाली है। तो यहाँ पे कैंसिल ट्रेन पे आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आज के दिन कौन कौन से ट्रेन कैंसिल है। तो गाइज, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेन है जो आज के दिन कैंसिल है, तो आप यहाँ पर भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन कैंसिल है या नहीं है। गाइज, यहाँ पे एक और है, मैं बताया था आप किसी भी ट्रेन का लाइव लोकेशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ सेकेंड नंबर पर जो दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपना ट्रेन का नंबर ट्रेन नंबर लिखना होगा, और उसके बाद ये लिखना होगा कि ये ट्रेन कितने घंटे पहले आपके स्टेशन से छूटी है। उसके बाद 2 घंटा या 4 घंटा वो सब फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे तो उसका लोकेशन दे देगा एग्जैक्टली कि ये ट्रेन अभी कहाँ पे है और कौन से ट्रेन स्टेशन पे कितने टाइम में पहुँच जाएगा। तो गाइज, मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी ये नॉलेज मिल जाए।